अदनान ने एल्विस यादव को एक इंटरव्यू में बोला था कि एल्विस यादव सांपों का जहर का काम करता है और एल्विस यादव के घर पर ईडी की रेड पड़ी है और इस इंटरव्यू को एल्विस यादव ने देख लिया। अदनान को एल्विस यादव इस पर अपना रिएक्शन देते हुए क्या बोलता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है जब मैं अदनान से कभी मिलूंगा बाय चांस तो अदनान पहली बात तो यूं देखेगा यहाँ आएगा, यहाँ नू 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 टेक दूंगा नीचे करके। जो इसने तो कई चीजों की हिसाब लेना, अदनान को तो वीडियो वाडियो का हिसाब लेना, मुझे कई चीजों का हिसाब लेना। इसके अंदर सैवेज पन्ना तो निकालूंगा, सैवेज तो इसने देखा ही नहीं। कह रहा मेरी गैर मौजूदगी में बॉर्डर पे चला गया था तू जब पीछे था तेरे घर वाले किसी को छेड़ गया मैं गैर मौजूदगी। भाई तुम तो दिल्ली आते नहीं, पता है क्यों नहीं आते तुम दिल्ली? क्योंकि तुम्हें कोई बुलाता नहीं, पर हम मुंबई जरूर आते हैं क्योंकि हमारा काम होता है उधर। बाकी हम तुम्हें बुलाएंगे, काम देंगे तुम्हें दिल्ली में भी, तो दिल्ली में आना तुम या फिर मैं मुंबई में आऊंगा, वहां मेरे सामने मिल जाइयो। ऐसे देख के तुझे बात करवाऊंगा पहले तो ना, मैं पहले मैं बैठूंगा फिर मैं बराबर आऊंगा तेरे, उसके बाद करेंगे आगे की बातचीत। तो भाई जितने मुंह खुल रहे हैं मुंह बंद कर ले दोस्त, आमने सामने ना निकलेगी इतनी जुबान दराजी। बिग बॉस में भी देख लिया था कितना डेंग है तू, धक्के धुक्के मार के मारे मार के दिखा दिए धक्का, तो ऐसे करके दिखा दी, उससे पता लग जाएगी तुझे कि फर्क क्या होता है। बट कोई नहीं, इसको धमकी में मत लेना, दिस इज नॉट धमकी, ये हमारे कैजुअल टॉक है, कैजुअल हरियाणवी टॉक्स भी लाइक। एल्विस यादव एंड अदनान की एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन सकती है, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।